गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनामार्ग। तो जैसा कि आपको पता, मेरी लद्दाख सीरीज चल रही है और हम लोग यहाँ श्रीनगर से जा रहे हैं अपना जोजिला पास की तरफ, जो कि अभी सुनने में आया कि रूट खुल गया है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह बीच में आई थी जो है सिंधु रिवर। सिंधु रिवर अपना लद्दाख से होते हुए यहाँ पे आती है और श्रीनगर में आप देख सकते हैं इसका व्यू, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और इस व्यू को देखते हुए हम लोग यहाँ पे रुक गए। एक तो इतनी ग्रीनरी, ऊपर से इतना अच्छा पानी बहता हुआ और ऊपर से ऐसा एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे खड़ी हमारी सारी बाइक्स, अपनी लाडो भी खड़ी है। बीच में मुझे कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि गुजरात से हैं, तो आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेट्रोवेन नाम मेरा, इसका नाम हार्दिक, ये रवि भाई, हम लोग गुजरात से आए बाइक ट्रिप करने के लिए। तो ये अंकल का साथ मिला, बहुत अच्छा रहेगा ये। हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी। सबसे पहले हम लोग, आपको जैसे पता है कि हम लोग कुकिंग अपनी करते हैं, तो भाई लोगों के साथ भी अपन कुकिंग करेंगे यहाँ पे, और बहुत मस्त मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें खाने को आज हम लोग लेके आए यहाँ पे बनाएंगे, और आगे आपको मिलते हैं अपनी कुकिंग के साथ। जन्नत ऑफ कश्मीर, सोनामार्ग, क्या मजा है यहाँ पे यार, क्या मजा, क्या माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इतनी ग्रीनरी, अलग ही है सब। भाई फुल जाम सोनामार्ग, इतनी लंबी ड्राइव कर करके थक गए भाई। उसके बाद पहुंचे सोनामार्ग, और सोनामार्ग में है ये जाम खतरनाक। अब आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट अभी आप यहां से व्यू का आनंद लीजिए। क्या मस्त व्यू आ रहा है, ऊपर फुल पहाड़, स्नो कवर्ड पहाड़, क्या मस्त है, क्या मस्त। बट अभी देखते हैं क्या वापस जाएंगे या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से कोई दूसरा रूट है या नहीं वो समझते हैं, किसी से पूछते हैं। अगर कोई दूसरा रूट होगा तो वहाँ से निकलेंगे, और बाकी आगे मिलते हैं आपको जाम के बाद। आगे जी जोजिला पास, ये हमारा फर्स्ट पास है अपना लद्दाख राइड का, और यहाँ पे ही हालत देखो क्या एक्टिविटी की हो रही है। स्नो स्कूटर वगैरह अगर आप चलाना चाहो तो आप यहाँ पे अपना चला सकते हो। अप्रॉक्सीमेट 1500 रुपये इनका चार्ज है, तो आप इनसे बार्गेनिंग करोगे तो ये आपको 800-900 रुपये में भी करवा देंगे। बहुत औसम व्यू आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ तक पूरी स्नो है, स्नो हर तरफ।
पूरी बर्फ की चादर है। क्या मजा है यहाँ पे, लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। यही कुछ है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी लगभग 950 किलोमीटर बाइक को राइड करके यहाँ पर आए हैं और उसके बाद अब आगे जाएंगे लेह लद्दाख। और अभी आज का जो प्लान है वो कारगिल में रुकने का, जो अप्रॉक्सीमेट 70-80 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी टाइम जो हो गया है वो 4:30-4:45 का हो गया है। तो अभी देखो कब तक हम लोग कारगिल पहुँच रहे हैं। बहुत स्ट्रगल होकर यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि जो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, जो आइस मेल्ट हो रही है, जो स्नो मेल्ट हो रही है, वो मेल्ट होकर पानी जो है पूरे रोड के ऊपर बिखरा हुआ है देखो। और बाइक फुल तरीके से स्लिप कर रही है। अभी हम लोग भी एक बार गिरे और बट ये है ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट हमारी बाइक का जो क्लच लीवर होता है वो डैमेज हो गया। तो अभी देखते हैं आगे जो जिला में जाके अपना कारगिल में जाके अगर कहीं से क्लच लीवर मिलता है तो देखते हैं। तो ये खड़ी है हमारी राम प्यारी बिना किसी दिक्कत के हमारी लाडो में यहाँ तक लेके आई है। कोई दिक्कत नहीं करी, कोई परेशानी नहीं करी, बस थोड़ा सा बस इसका साथ की ज़रूरत है। इसके हमें साथ देती रहे और आराम से हम लोग कारगिल पहुँचे। मिलते हैं आपको आगे भाई। अभी एंट्री हमारी हुई है ले के लिए, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन हम बाइकर्स को जल्दी से एंट्री मिल गई। सारे भाई मेरे लगे हुए देखो, हमारे बलविंदर सिंह जी चना चावल मंगवा लिया लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंने राजमा चावल मंगवाए, कसम से ऑसम टेस्ट है। ये देखो सारे भाई लगे हुए हैं क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, लंच किसी ने नहीं किया और यही लंच है, यही ब्रंच है, यही नाश्ता है हमारा। अब पता नहीं कब अभी आगे जाके हमें होम स्टे मिलेगा या जहाँ भी हमने रुकना है, वो भी अभी यहाँ से 82 किलोमीटर है कारगिल। बाकी खाना अच्छा है, मिलते हैं आपको आगे। ले इज नॉट इजी, सबकी हालत खराब देखो, सबकी हालत खराब भाई। ये देखो इनके जूते, कसम से मेरे गुजरात वाले भाइयों के पैर देखो, पूरे इनके जूतों में पानी ही पानी है। बहुत कूदे थे एकदम से ये जाके बर्फ में। और ये देखो हालात देखो ये देखो हाथ सेक रहे बलविंदर सिंह जी, इनके देखो हालत भाई, कसम से बढ़िया जगह है, लेकिन एक बार आना चाहिए लाइफ में। हाँ बहुत जरूरी है ना। बलविंदर जी और की कर रहे हो पाजी, एंजॉय उन सामने पूछ रहे हो, तुझे कितना आप भाई। मैंने एक चीज नोट करी है, अपने सारे भाई ना एक से एक मस्त बंदे हैं और दूसरा ना जुगाड़ बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं अपने आप को सेट करने का। ये बल्ली ने तो आते ही जहाँ रोटियां बन रही थी उसकी रोटी बंद करवा दी, कह रहे भाई हटे पहले, मैं पहले हाथ सेकूंगा। तो भाई कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, यहाँ रुके लाला वैष्णो ढाबा पे भाई, खाना बहुत बढ़िया था, राजमा चावल और छोले चावल खाए और सब एक नंबर रहा, बहुत मजा रहा। और मैं भी हूँ ओ भाई, कारगिल से 70 किलोमीटर पहले हमारे गुजराती भाई की एक बाइक में पीछे वाले टायर में हवा खत्म। शुक्र करो हमारे पास पंप था और पंप होने की वजह से बच गए, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर नहीं है और ट्यूब वाले टायर है, कल को ये पंचर हो जाता तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती इसको पंचर लगवाने की।
दूसरी वाली हमारी बाइक जो सबसे आगे खड़ी हुई है, सबसे आगे, इसकी पीछे वाली ब्रेक फेल हो गई है। तो ये दिक्कतें जो आती है ना, इसके लिए प्रिपेयर हो गया हो, एक स्पीड लिमिट सेट करो 50-60 की लिमिट पे, अपना पहाड़ों में गाड़ी चलाओ, वरना कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मारू देखो सारे भाई इकट्ठे हो गए, हम जैसे ही एक की गाड़ी खराब सारे के सारे इकट्ठे हो गए। हाँ जी टांग चल रही है, चल रही नहीं चल रही, इसको चलाने से आपकी बॉडी में हीट आएगा। तो भाई प्रिपेयर हो गया ना, जो भी आए हम लोग अपना सामान सारा साथ लेके आए हैं, पूरा ट्यूबलेस टायर पंचर किट वगैरह सब कुछ। पर ऐसे नहीं कि घर से बिना तैयारी के उठ के आ गए और चले गए, ठीक है। तो कोई भी आए अपना ध्यान से सारा सामान लेके आए। ठंड है इस टाइम, मेरे ख्याल से टेम्परेचर होगा 1-2 डिग्री के आसपास। हालत बाइक और बहुत खराब हो रही है, बहुत ठंड है यहाँ। अभी पहुँचे हैं कारगिल वार मेमोरियल, लेकिन ये बंद हो चुका है क्योंकि इसका टाइम होता है शाम को 7 बजे तक। तो हालात अभी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं कोई होम स्टे या कोई होटल लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे होटल में जाके। तो एपिसोड 3 जो हमारा था, तो इसको यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।